हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। दीपावली का महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इसके पहले 10 नवंबर को छोटी दीपावली यानी धनतेरस आने वाली है। हिंदू मान्यता अनुसार धनतेरस से दीपावली के दिन तक प्रतिदिन घर में 13 दिए जलाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि यह दिए जलाने का स्थान कौन सा है, तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि धनतेरस पर दीपावली तक 13 दिए कहाँ जलाने चाहिए, कौन से हैं 13 दिए जलाने के स्थान। नंबर एक, धनतेरस की संध्या पहला दिया यमदेव के नाम का जलाया जाता है। यह दिया आपके परिवार में अकाल मृत्यु के दोष मुक्त के लिए होता है। अगर आप चाहें तो इस दिन आटे से बना हुआ चौमुखी दिया उपयोग कर सकते हैं। इससे घर के दक्षिण कोने के छोर में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की मानी जाती है। नंबर टू, दूसरा दिया घी का जलाया जाता है, जो घर के पूजन स्थल यानी मंदिर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान के सामने रखा जा सकता है। ऐसा करने से मांगी हुई कामना पूर्ण होती हैं। नंबर तीन, तीसरा दिया माँ लक्ष्मी के नाम से जलाया जाता है। इसे माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में समृद्धि होती है। नंबर चार, चौथा दिया माँ तुलसी के नाम का होता है, जिसे इसे उनके पौधे के निकट जलाने से आपके घर परिवार में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है, साथ ही पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहता है। नंबर पाँच, पांचवा दिया घर के मुख के सामने रखना चाहिए। इससे घर में आने वाली बुरी आत्माओं से रक्षा होती है, साथ ही घर में नकारात्मक शक्तियां दूर होकर वे प्रवेश नहीं कर पाती। नंबर छः, छठवा दिया पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। मान्यता है कि इसे सरसों के तेल में जलाया जाना चाहिए, यह शनि दोष को दूर करता है। नंबर सात, सातवां दिया मंदिर या बाहर जहां आप पूजा करने जाते हो वहां जलाएं, इसे घर में खुशहाली आती है। नंबर आठ, आठवां दिया कूड़ेदान के पास जलाने की मान्यता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे घर में स्वच्छता का वास होता है। नंबर नौ, नवा दिया घर के शौचालय यानी टॉयलेट के बाहर जलाया जाता है। कहते हैं इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होकर समृद्धि आती है। नंबर दस, दसवां दिया अपने घर की छत में रखा जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह दीपक भी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करता है। नंबर ग्यारह, ग्यारहवा दिया घर की किसी भी खिड़की पर रखा जा सकता है, जो बुरी ऊर्जा से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। नंबर बारह, बारहवा दिया घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रखना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभकारी माना जाता है। नंबर तेरह, तेरहवा दिया घर के समीप चौराहे में या पड़ोस में रखा जाता है, ये आपके जीवन में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, साथ ही आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा भी लाता है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।